Hello and welcome to your class 7th online science classes. And in this video we are starting your chapter number 11, that is electric current and its effect from your fiction science book. So just open the page number 96 and we will be having the reading and explanation of this chapter. So let's start your chapter, students. In the previous class we have already learnt about electric current, electric circuits, as well as various aspects related to electricity, like how electric current is generated and how it is important to us. देखिए जो पिछली क्लास है आपकी, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपकी इस क्लास सिक्स में, और इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं और कैसे जो अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होता है और वो कैसे हमारे लिए जरूरी होता है, सब हम जो बातें हैं वो पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में. इन टूडेज वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर हम आज की बात करें तो देखिए, हम अपने आसपास कोई भी शायद ही ऐसी कोई चीज हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी से न चल रही हो, तो हम ज्यादातर जो हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी है. इट प्रोवाइड्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो ये हमें एक एनर्जी की फॉर्म देती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टर सच एज अ मेटल वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट और जस्ट करंट. अब जो इलेक्ट्रिसिटी है अगर वो किसी कंडक्टर से फ्लो करती है, जैसे एक मेटल वायर है उसे कंडक्टर बोला जाता है, यानी ऐसे कोई भी कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो होने देता है तो उसे हम कंडक्टर कहते हैं. और अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है तो तब हम उसको इलेक्ट्रिक करंट या जस्ट करंट बोल देते हैं. तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट मींस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. सो अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी हेल्प्स टू मेंटेन अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स. देखिए जो सोर्स है एक इलेक्ट्रिक करंट की, जैसे हम इलेक्ट्रिक सेल यूज कर सकते हैं या बैटरी यूज करते हैं हम, जैसे गाड़ी में आपने देखा है, कार वगैरह में बैटरीज होती है, सेल होते हैं छोटे छोटे, जो वॉच देखते हैं हम उसमें सेल यूज की जाती है. तो ये सब एक कंटिन्यूस फ्लो मेंटेन करके रखते हैं चार्ज का. और देखिए इलेक्ट्रिसिटी जब एक तरफ फ्लो ज्यादा हम कंसीडर करके चले, एक तरफ अमाउंट ज्यादा होगा एक तरफ कम, तो हमेशा वो ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करता है. ठीक है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इसे. तो लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. हालांकि ऊपर डेफिनेशन पढ़ चुके हम कि एज इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्ट्रीम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्ट्रीम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो फ्लो कर रहे होते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट. एन इलेक्ट्रॉन इज एन एटॉमिक पार्टिकल कैरिंग अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज. और जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन ऑल एटम्स एंड कैन बी रिमूव फ्रॉम द एटम्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट क्वाइट इजली. जो इलेक्ट्रॉन है ऐसा कोई भी एटम नहीं है अर्थ के ऊपर जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो. और लेकिन हम जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ कुछ ही एलिमेंट के अंदर से रिमूव कर सकते हैं. अब जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो उनको इजिली रिमूव किया जा सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन इजिली फ्रीली मूव भी कर सकते हैं. सो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पुश्ड अलोंग थ्रू सब्सटेंसेस इन ए कंडक्टर टू फॉर्म एन इलेक्ट्रिक करंट. अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें पुश किया जाता है सब्सटेंस के थ्रू ताकि कंडक्टर में, और क्या बना लेता है वो, एक इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है. देन कम्स द इलेक्ट्रिक सर्किट. सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द चार्जेस फ्लो और ट्रेवल अलोंग अ क्लोज्ड पाथ. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तभी पॉसिबल है, या तो चार्ज फ्लो करेगा या ट्रेवल बोल देते हैं हम उसको एक क्लोज्ड पाथ में. यहां देखिए ये जो पाथ है वो क्लोज्ड पाथ है. अगर पाथ थोड़ा सा भी ब्रेक होगा कहीं से तो आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा और जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा. जो येलो दिखा रखा है ये एक बल्ब है जो ग्लो कर जाता है अगर सर्किट कंप्लीट है. और इस वाले को आप देखें कि सर्किट यहाँ से ब्रोकन है, यानी ये सेल से जुड़ा हुआ नहीं है.
अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो इससे क्या होगा, ये बल्ब को ग्लो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एक क्लोज सर्किट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इसीलिए हमें सर्किट बनाने पड़ते हैं। कि द पाथ अलोंग विच द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट, और वो पाथ जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोल देते हैं। ठीक है, इस तरह से सेल होता है, ये वायर है, जो ये लाइन दिखी आपको ये वायर होती है, और ये किससे, एक बल्ब से कनेक्टेड है। सो लेट्स सी हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट वी नीड, अ बल्ब, अ ड्राई सेल, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ऑफ टू कलर। ठीक है, ये दो कलर की हमारे पास वायर होनी चाहिए, एक बल्ब होना चाहिए, एक बैटरी, और ये स्विच ले रखा है, इसको की बोल देते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर है निगेटिव, एक एंड इससे जोड़ा, एक इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इस स्विच से जोड़ दिया इसमें। जब ये ऑन ऑफ होगा तो सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट होगा या ब्रेक हो सकता है। और दूसरा वायर इस स्विच के थ्रू ऐड किया यहाँ पे। नाउ फॉलो दीज स्टेप्स, कि कनेक्ट द वन एंड ऑफ ईच कॉपर वायर टू द बल्ब एंड द अदर एंड ऑफ ईच कॉपर वायर टू ड्राई सेल। यू मे यूज द सेलोफेन टेप टू फिक्स द कनेक्शन। ठीक है, आप एक वायर को यहाँ से एक बल्ब के, या अभी जो डिस्कस कर रहे थे हम, वही लिखा हुआ है इसके अंदर, कि दोनों एंड को बैटरी के दोनों एंड से बल्ब के कनेक्ट कर देना। तो सी व्हाट हैपेंस, द बल्ब ग्लोज ब्राइटली। तो क्या देखेंगे आप, कि जो बल्ब है वो बहुत तेजी से ग्लो कर रहा है। नाउ रिमूव वन ऑफ द वायर फ्रॉम ड्राई सेल, नाउ द बल्ब डज नॉट ग्लो। अगर हम एक वायर हटा देते हैं ड्राई सेल से, ये वायर कोई सा भी हटा दीजिए, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो ऑब्जर्व किया हमने, कि द बल्ब ग्लो ब्राइटली व्हेन वायर्स आर कनेक्टेड प्रॉपरली, बट व्हेन द वायर्स आर डिसकनेक्टेड इट डज नॉट ग्लो। कि बल्ब सिर्फ तभी ग्लो करेगा अगर हमने वायर्स को प्रॉपरली कनेक्ट किया हुआ, लेकिन अगर हम वायर को हटा देते हैं तो बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है। तो इसका मतलब कंक्लूजन निकलेगा इस एक्टिविटी का, कि द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द सर्किट इज क्लोज। अगर सर्किट क्लोज है तो बल्ब ग्लो करेगा, अगर नहीं है बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इस सर्किट इज यूजुअली मेड बाय लिंकिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स टुगेदर विद ए पीस ऑफ वायर। एक सर्किट है, उसको हम कैसे बनाते हैं, अभी हमने जो देखा बल्ब है, बैटरी है, वो सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। उन सबको हमने किससे कनेक्ट किया, पीस ऑफ वायर से। तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ इन विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। तो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट जो है वो क्लोज पाथ हुआ जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। देन वी हैव टू नो, अगर हमने अभी जो डायग्राम, इसमें तो हमने फिगर बनाई है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के। तो लेट्स सी द कंपोनेंट्स सच एज सेल्स, बल्ब्स, वायर्स, स्विचेस एटसेट्रा आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ एन सर्किट, ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये जो कंपोनेंट्स हैं, सेल्स जैसे हुआ, बल्ब हुए, वायर्स हुए, या स्विचेस जो होते हैं, ये सब एलिमेंट बोले जाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के। अब देयर आर टू कंडीशन नेसेसरी फॉर ए सर्किट। एक सर्किट के लिए दो कंडीशन सबसे ज्यादा जरूरी होती है। फर्स्ट इज अ सोर्स, दैट इज वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा हमारे पास, जिसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स यूज कर सकते हैं। एंड देन द वायर्स फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये तो होनी ही जरूरी होती है। एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ड्रॉइंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड दिस इज नोन एज सर्किट डायग्राम। अब सिंप्लिसिटी लेने के लिए, कि बार बार तो हम ये बैटरी, ये सेल या बल्ब नहीं बना सकते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड मेथड डेवलप किया, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक सर्किट को बना सकते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम। तो इन ए सर्किट डायग्राम वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्टैंडर्ड सिंबल्स। सर्किट डायग्राम में जो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो एक स्टैंडर्ड सिंबल से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इलेक्ट्रिक सेल है तो इस तरह से सिंबल होता है, इसमें जो बड़े वाला लाइन होती है और एक छोटे वाली लाइन, उसके बीच में गैप होता है, और इस तरह से वायर कनेक्टेड है। जो बड़ा होता है वो हमेशा पॉजिटिव और छोटे वाला नेगेटिव। अब जो बैटरी होता है, एक्चुअली बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो अगर दो से ज्यादा, एक से ज्यादा सेल होगी उसके अंदर,
तब उसको हम क्या बोल देते हैं, बैटरी कह देते हैं। लेकिन हमेशा जो छोटा एंड होगा यानी निगेटिव एंड, वो पॉजिटिव वाले से कनेक्टेड होता है, तो हम इसी तरह से इसको बनाते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए इस तरीके का सिंबल होता है ये। कनेक्टिंग वायर के लिए एक स्ट्रेट लाइन होती है। अगर वायर एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक दिखा देते हैं कि यहाँ पे इधर से जो चार वायर है वो कनेक्टेड है, यहाँ से जो थ्री वायर्स हैं वो कनेक्टेड दिखा रखे हैं, तो ये जॉइंट बता देता है कि वायर्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द सिंबल्स दैट वी यूज फॉर मेकिंग द सर्किट डायग्राम। इफ यू विड लर्न, आपको ये लर्न करने हैं, फिर इसी की हेल्प से सर्किट डायग्राम बना लेना है। फिर स्विच, ये हमने ऐसे स्विच तो देखे हैं, लेकिन जो सिंबल होते हैं, अब अगर स्विच ऑफ ऑन है तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड होंगे, इस तरह से दिखा देते हैं ऑन को। अगर स्विच ऑफ है तो हम इस तरह से ये पॉइंट बना के दिखा देते हैं और इसमें से डॉट नहीं होता, तो स्विच ऑफ का सिंबल बनता है यहाँ पे और ये स्विच ऑन का। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल जो फ्यूज होता है उसका डायग्राम इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, देन वी स्टडी क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट। कि द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल थ्रू ऑल द कॉम्पोनेंट्स इन द सर्किट इज कॉल्ड द क्लोज सर्किट। अब देखिए कि जो सर्किट है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, क्योंकि इसमें स्विच जो है वो ऑफ है, तो इसको ओपन सर्किट बोला है। लेकिन यहाँ से देखिए कि पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू करेगा, जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बीच में आ रहा है उसके अंदर से वो फ्लो करेगा और करने के बाद वो निगेटिव टर्मिनल तक जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो ये पहले भी इससे प्रीवियस पेज के ऊपर भी हमने देखा था इसके अंदर कि इसमें स्विच यहाँ से टूटा हुआ था, वायर नहीं था, तो वो क्या था, एक ओपन सर्किट था और ये क्या हुआ, एक क्लोज सर्किट हो जाता है। ये क्या है, अगर स्विच ऑन है और ऑफ है तो ये ओपन सर्किट और क्लोज है तो क्लोज सर्किट। तो फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू बी कंप्लीटेड एवरी पार्ट ऑफ इट मस्ट बी मेड ऑफ कंडक्टर। एक इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर कंप्लीट करना है तो उसका हर एक पार्ट जो होना होगा वो कंडक्टर का बना होना चाहिए। इफ देयर इज एन इंसुलेटर इन द पाथ ऑफ द सर्किट इट इज टर्म्ड एज ब्रोकन और इनकम्प्लीट और ओपन सर्किट। अगर किसी वजह से कि इंसुलेटर है पाथ में सर्किट के, तो उसे हम ब्रोकन या इनकम्प्लीट या ओपन सर्किट बोल देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, इंसुलेटर वो डिवाइस होती है कि जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देती है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।